हेलो एवरीवन, दिस इज कृतिका एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल रूल्स ऑफ कॉमर्स। ये हमारा लास्ट लेक्चर है चैप्टर 8 बिल ऑफ एक्सचेंज का, क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं एंड आफ्टर दैट हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में बहुत सारे जर्नल एंट्री मैंने डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में आपको बता दिया है। अब सिर्फ हम न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड वी आर डन विद द चैप्टर। तो हमारा फर्स्ट न्यूमेरिकल्स है ऑन 10th March 2021, A draws a bill at 3 months for ₹20,000. 10th March को क्या हुआ, 2021 में A ने एक बिल ड्रॉ किया 3 months के लिए 20,000। अमाउंट क्या था, 20,000, विच B एक्सेप्ट। मतलब B आपका यहाँ पे ड्रॉई है और A आपका मेकर है, A मतलब ड्रॉअर है। एक्सेप्ट इमिडिएटली एंड रिटर्न्स टू A। तो अगर हम पहले इस पार्ट का एंट्री करना चाहें तो ड्रॉअर्स के भी बुक में एंट्री होगी और ड्रॉई के भी बुक में एंट्री होगी। तो ड्रॉअर्स के बुक में एंट्री क्या होगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू बीज अकाउंट 20,000। और डेट क्या होगा हमारा, 10th March, डेट होगा 10th March। हेडिंग लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ ए, और ए कौन है, ड्रॉअर या मेकर ऑफ द बिल है। अब बी के बुक्स में एंट्री क्या होगी, बी हमारा ड्रॉई है। A's account debit 20,000 to bill's payable account 20,000। और narration हो जाएगा when bill is accepted, क्योंकि bill accept हुआ ना, इसने bill accept किया तब ये entry कर रहे हैं और यहाँ पे हमने bill draw किया था। Next है the bill is honored on due date पे bill honored हो गए, मतलब payment हो गई। अब due date कैसे calculate करें, 10th March और 3 months, तो March के बाद April, May एंड जून, जून 10th को आपका 3 months कंप्लीट हो जाएगा, प्लस 3 days हम क्या करते हैं, ग्रेस, 3 days हम और ऐड करेंगे, 13th June को बिल मैच्योर होगा। तो अब यहाँ पे एंट्री क्या होगी, 13 June 2021। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी हम क्या एंट्री करते हैं, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट 20,000। एंट्री होगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 20,000 टू कैश अकाउंट 20,000। हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ था पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ बोथ द पार्टीज, मतलब आपको ड्रॉअर के भी बुक्स में एंट्री शो करनी थी और ड्रॉई के भी बुक्स में एंट्री शो करनी थी। अगर आपको जनरल एंट्री याद है तो आप बहुत आसानी से सारे न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। ड्यू डेट कैलकुलेट करना होगा एंड ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन के लिए आपको जनरल एंट्री करनी है। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ टीएस गरेवाल। टीएस गरेवाल में डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको यहाँ सॉल्व करा दूंगी। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन मैं सॉल्व करके आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो आपको करना क्या है, आपको कमेंट सेक्शन में वो पर्टिकुलर क्वेश्चन मुझे बताना है या फिर इंस्टाग्राम पे आप DM करके बता सकते हो और मैं आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ TS गरेवाल। आपके पास अगर लेटेस्ट एडिशन नहीं भी है तो मैंने ये फील किया है, मैंने ये चेक किया है कि सारे क्वेश्चन सेम है, बस आपको डेट्स डिफरेंट हैं। ये मेरे पास लेटेस्ट बुक है तो इसमें 2021 है डेट। आप अगर पिछले साल का बुक या उससे भी पुराना एडिशन ले रहे हैं तो आपको डेट्स बस चेंज रहेंगे और कुछ भी डिफरेंट नहीं है, क्वेश्चन लगभग सेम ही है। तो आप टेंशन मत लो कि मैम ने लेटेस्ट एडिशन सॉल्व कराया है, मेरे पास तो पुराना बुक है। आप अगर क्वेश्चन मैच करने की कोशिश करोगे तो क्वेश्चन सेम ही है, बस थोड़े डेट्स के अंतर हैं। नेक्स्ट है हमारा डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है ऑन 1st January 2021 एक्स सोल्ड गुड्स ऑफ ₹20,000 टू वाई एंड ड्रू अ बिल ऑन वाई एट 3 months फॉर द अमाउंट। एक्स ने गुड्स बेचा है 20,000 का टू वाई, वाई को उधार पे सामान दे दिया, कितने का, 20,000 का। तो पहले तो एक्स अपने बुक्स में ये एंट्री कर लेगा ना सेल्स का, क्योंकि उसने क्रेडिट पे सामान बेचा है, तो एंट्री होगी वाईज अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 20,000। नरेशन क्या होगा, बेइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, क्योंकि गुड्स उसने बेचा है। अब वाई क्या करेगा, वाई भी तो अपने बुक्स में कोई एंट्री करेगा क्योंकि उसने सामान खरीदा है, तो उसकी एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू एक्स अकाउंट 20,000। नरेशन आप खुद ही लिख सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी जर्नल एंट्री का एक फुल चैप्टर कवर कर लिया है।
अब यहाँ पे डेट क्या होगा, डेट हम लिखने वाले 1 जन 2021, यहाँ पे भी डेट होगा 1 जन 2021। नेक्स्ट है ड्यू अ बिल ऑन वाई एट 3 मंथ फॉर द अमाउंट वाई एक्सेप्टेड द बिल। अब बिल बनाई ये लोग और बिल वाई ने एक्सेप्ट भी कर लिया, तो एक्स क्या है, ड्रॉअर ऑफ द बिल है ना, तो वो अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगी, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट। B/R का मतलब बिल्स रिसीवेबल है, मैंने ऑलरेडी अपने लेक्चर में बताया है, टू वाइज अकाउंट 20,000। ये एक्स अपने बुक्स में एंट्री कर रही है क्योंकि उसने बिल ड्रॉ किया है। अब वाई ने बिल एक्सेप्ट कर लिया तो वो क्या एंट्री करेगी, एक्स अकाउंट डेबिट 20,000 टू बिल्स पेबल अकाउंट 20,000। मैंने बताया ना, एक ही बिल, एक इंसान के लिए बिल्स रिसीवेबल है तो दूसरे इंसान के लिए बिल्स पेबल है। पेबल किसके लिए होगा, जो पेमेंट कर रहा होगा। अब ये एंट्री भी कब होगी, 1 जन को ही, क्योंकि ये सारे काम कब हो रहे थे, 1 जन को। ये बिल का मंथ ड्यूरेशन क्या है, 3 मंथ का ये बिल ड्रॉ किया गया है, मतलब 3 मंथ्स आफ्टर ये मैच्योर्ड होगी बिल। पास द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ एक्स एंड वाई इफ एक्स डिस्काउंटेड द बिल एट 12% फ्रॉम बैंक ऑन 4th जन। अब बिल को डिस्काउंट करा लिया गया, मतलब वो बैंक जाके पैसा पहले ही लेके आ जाता है, तो बैंक क्या बोलेगी, हम तो आपको पैसा दे दे रहे हैं, तो उसके लिए वो कुछ ना कुछ अपना डिस्काउंटिंग चार्जेस लेगी, क्योंकि बैंक को तो पैसा कब मिलेगा, 3 महीने बाद मिलेगा। लेकिन वो क्या करिए, बैंक एक्स को तो पेमेंट 4 जन को ही कर दे रही है, जबकि बिल कब ड्रॉ किया गया था, एक्स 1 जनवरी को, मतलब बिल मिला ही एक्स को 1 जनवरी और 4 जनवरी को ही जाके वो पैसे लेके आ जाता है, जबकि उसको पैसे मिलने थे 3 मंथ्स के बाद, मतलब फेब मार्च अप्रैल, अप्रैल 1st में आप 3 डेज और ऐड करो, 2, 3, 4, मतलब 4th अप्रैल को जाके उसको पैसे मिलने थे एक्स को, बट वो क्या करता है, बिल डिस्काउंट करा लेता है बैंक में जाके और पैसा पहले लेके आता है, तो बैंक क्या करेगी, बैंक उससे डिस्काउंटिंग चार्जेस लेगी। रेट मेंशन है क्वेश्चन में 12%, तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये जनरल एंट्री तो मैंने बताया है आपको, तो हमने जनरल एंट्री कर ली और डेट हमने लिखा 4 जनवरी 2021, क्योंकि डिस्काउंटेड कब हुआ बिल, 4 जनवरी, ऑलरेडी डेट यहाँ मेंशन है। अब हम क्या करें, डिस्काउंटिंग चार्जेस कैलकुलेट करना होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, 20,000 बिल अमाउंट क्या है, 20,000, 12% और कितने मंथ्स के लिए, 3 मंथ्स के लिए, कितना आता है डिस्काउंटिंग चार्जेस, 600, ये कैलकुलेशन में भी मैंने आपको बताया है। बिल अमाउंट कितना है, 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, 12%, कितने मंथ के लिए बिल है, 3 मंथ्स के लिए, और एक ईयर में कितने मंथ होते हैं, 12, तो 3/12, आप इसको कैलकुलेट करो तो 600 अमाउंट आ रहा है जो आपका डिस्काउंटिंग चार्जेस होगा। अब हम यहाँ अमाउंट क्या लिखे, डिस्काउंटिंग चार्जेस में मैंने अमाउंट लिख दिया 600, बिल्स रिसीवेबल मतलब बिल का टोटल वैल्यू कितना था, 20,000, तो अब हम बैंक ने मुझे कितना पैसा दिया होगा, जब हम डिस्काउंटिंग ऑफ बिल क्या होता है ये पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था ना, बैंक क्या करेगी, बिल अमाउंट से अपने डिस्काउंटिंग चार्जेस माइनस करके रिमेनिंग अमाउंट को डिसबर्स करेगी, तो रिमेनिंग अमाउंट देखिए क्या होता है, 20,000 माइनस 600, 19,400, तो ये बैंक हम एंट्री कर लिए 4 जनवरी। अब वाई अपने बुक्स में तो कोई एंट्री नहीं करी है, क्योंकि उसको क्या, उसने कुछ किया क्या, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुई, उसने तो बिल डिस्काउंट नहीं किया, वो तो पेमेंट करेगी कब, मैच्योरिटी डेट पे ही, तो मैच्योरिटी डेट क्या हो रहा है, फेब मार्च अप्रैल, अप्रैल 1st ने 4th अप्रैल, मतलब 4th अप्रैल 2021 को अब टाइम आ गया बिल के मैच्योर होने का। एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी वाई अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगी, बिल वो पे कर रही होगी, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट 20,000 टू बैंक अकाउंट 20,000, तो ये एंट्री थी हमारे बुक्स ऑफ एक्स में और बुक्स ऑफ वाई में। क्वेश्चन में एक एक लाइन आप आराम से पढ़िए और हर एक लाइन से समझने की कोशिश कीजिए, कुछ ना कुछ जनरल एंट्री रहेगी, क्योंकि अकाउंट्स में आपको बहुत सारी एंट्रीज करने होते, सारे ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करते हो, तो अगर आपने गुड्स को पहले बेचा तो आप इसकी एंट्री करो,
फिर वाई ने इसको खरीदा है तो परचेज की एंट्री करो, फिर बिल बनाया तो ये क्या किया, बिल को ड्रॉ कर रहा है तो उसकी एंट्री, वाई एक्सेप्ट कर रहा है उसकी एंट्री। फिर हम आते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल पे। तो एवरी क्वेश्चन में पहले तो आपको ड्यू डेट कैलकुलेट करना ही है, अगर डिस्काउंटिंग चार्जेस लिखे हैं तो वो भी आपको कैलकुलेट करना होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा, ये क्वेश्चन नंबर 5 था हमारा टीएस गरेवाल का। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ए ओड बी रुपीज 8000। ओड का मतलब क्या होता है, नीड टू पे, तो इसका मतलब है कि बी आपका ड्रॉअर है और ए आपका ड्रॉई है। क्वेश्चन को उल्टा मत समझ जाइएगा कि ए आपका ड्रॉअर है और बी आपका ड्रॉई है, नहीं, बी क्या है, बी है हमारा ड्रॉअर और ए है हमारा ड्रॉई। अगर आपने उल्टा समझ लिया तो पूरा का पूरा जनरल एंट्री ही गलत हो जाएगी। ही गेव अ बिल फॉर द सेम ऑन 1st August 2020 पेबल आफ्टर 4 months। 1st August, 4 month के बाद, मतलब सेप्टेम्बर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 1st December में आप 4 ऐड कर लो, 1st December में 3 days ऐड करेंगे ग्रेस पीरियड तो कितना होगा, 2nd, 3rd and 4th December। 4th December हमारा ड्यू डेट है, ड्यू डेट क्या है, 4th December। पेबल आफ्टर 4 months एट द बैंक ऑफ इंडिया चांदनी चौक दिल्ली। Immediately after receiving the bill, B endorsed it to C in payment of his debt. B ने क्या किया, बिल को दे दिया किसको, C को एंडोर्स कर दिया, मतलब किसी थर्ड पार्टी को हम दे दे रहे हैं। On 1st September, C discounted the bill at 12% per annum. C क्या करिए, डिस्काउंट करिए 12% per annum. The bill is met on due date. बिल की पेमेंट हो जाती है मैच्योरिटी डेट पे. Pass the necessary journal entries in the books of A, B and C. आपको क्या करना है, तीनों के बुक्स में जर्नल एंट्री करनी है। फर्स्ट जो यहाँ पे गलती हो सकती थी वो था ये, अगर ये वर्ड को आपने उल्टा समझ लिया तो गलती हो जाएगी। क्या है, ड्रॉई है ना, तो बिल्स बीज अकाउंट डेबिट 8000 टू बिल्स पेबल, इसके लिए तो ये बिल्स पेबल है तो बिल्स पेबल अकाउंट 8000, और बी क्या एंट्री कर रही है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू एज अकाउंट 8000, मतलब बिल बना दिया और बिल को एक्सेप्ट कर लिया, यहाँ तक तो हो गया। नेक्स्ट है एंडोर्स कर दिया सी को, तो सीज अकाउंट डेबिट 8000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 8000, जिसको एंडोर्स करेंगे उसको हम डेबिट करेंगे, जिसको एंडोर्स करेंगे उसको डेबिट करेंगे। जब एंडोर्समेंट हम पढ़ रहे थे तब मैंने जर्नल एंट्री बताई थी, तो सीज अकाउंट डेबिट 8000 टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 8000। अब नेक्स्ट सी अब आ गया, तो सी भी अपने बुक्स में कुछ तो एंट्री कर रहेगा, तो वो क्या करेगा, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 8000 टू बीज अकाउंट 8000। यहाँ तक हो गई, सबने अपने बुक्स में एंट्री कर ली बिल्स को लेके। अब नेक्स्ट क्या है, पेमेंट करना है और बिल डिस्काउंट भी हो गया 12%, तो सी ने डिस्काउंटेड द बिल एट 12% पर एनम। तो फिर से डिस्काउंटिंग ऑफ बिल का जनरल एंट्री क्या होता है, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में हम अमाउंट क्या लिखेंगे, फुल अमाउंट ऑफ द बिल, वो क्या है 8000। क्या करना है, डिस्काउंटिंग चार्जेस कैलकुलेट करना है। बिल अमाउंट कितना है 8000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%, और यहाँ पे मंथ कितना होगा, 3 months। अब 3 months क्यों होगा, बिल्स पेबल तो 4 months है, लेकिन पे क्यों डिस्काउंटिंग चार्जेस 3 months के लिए लगेंगे, क्योंकि जब बिल डिस्काउंट हुआ तो 1st September, मतलब अब 1st September से आपको 3 months काउंट करने हैं, क्योंकि एक महीना तो ऑलरेडी पार हो चुका है 1st August से 1st September। बिल जो है 4 months के लिए था ना, एक महीना ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, तो रिमेनिंग कितने मंथ्स है, 3 months। तो बैंक उतने ही मंथ्स के लिए ना डिस्काउंट ले रही है, अपने चार्जेस लेती है जितना मंथ उसको वेट करना होगा पैसा के लिए। तो बिल बैंक कितने मंथ्स के लिए वेट करेगी, अगस्त सितंबर को बिल डिस्काउंट है, मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, 3 months के बाद बैंक को पेमेंट मिल जाएगी, तो बैंक को डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने मंथ्स के लिए लेना होगा, 3 months के लिए, 3 months के लिए। सिंपल समझने का है, अगस्त में बिल मिला 4 months के लिए, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 months, मतलब पेमेंट यहाँ होगा बैंक को, क्योंकि बिल तो मैंने बैंक में रख दिया ना, तो बिल डिस्काउंट कर दिया तो मतलब दिसंबर में बैंक को पेमेंट मिलेगा। वो इंसान आ गया पेमेंट लेने के लिए सितंबर में ही,
तो बैंक ने तो अभी ही पैसा दे दिया, लेकिन बैंक को एक्चुअल पैसा रिसीव होगा कब? दिसंबर में। तो वो डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने मंथ्स के लिए लिए? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 मंथ्स के लिए। 3 मंथ्स के लिए वो क्या करेगा? अपने चार्जेस लेगा। तो इसलिए हम लोग डिस्काउंटिंग चार्जेस कैलकुलेट करें 3 मंथ्स। ठीक है, तो 240 हमारा डिस्काउंटिंग चार्जेस आ गया, लिख दिया मैंने। अब बैंक हमें कितने पैसे देगी? मैंने बताया है ना, क्या करेगी बैंक? बिल अमाउंट से डिस्काउंटिंग चार्जेस माइनस करेगी, जितने पैसे बचेंगे उतने पैसे आपको दे देगी। तो कितने पैसे बचे? 7760। तो ये दे दिया। अब यहाँ पे डेट क्या होगा? 1 सितंबर, क्योंकि आपने क्या किया है, 1 सितंबर को बिल डिस्काउंट करा लिया है। नेक्स्ट है हमारा, अब बिल जब एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी ए भी तो अपने बुक्स में कुछ एंट्री करेगी ना, तो एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी क्या एंट्री होती है? बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 8000, 8000। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जहाँ पे पहले आपको ये समझना था कि ड्रॉअर कौन है और ड्रॉई कौन है। नेक्स्ट है कि डिस्काउंटिंग चार्जेस कितने मंथ के लिए आप अप्लाई करोगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो प्लीज़ आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछो, या फिर इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली DM करो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय बाय बच्चों, कीप लर्निंग, कीप हसलिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डू हिट द बेल नोटिफिकेशन आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट। बाय बाय।